वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे जनपद में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में खुराबार पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश रूपेश सहानी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं शातिर के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। शातिर के ऊपर खुराबार थाने में 4 संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, एक व्यक्ति है रूपेश साहनी, जिन पर खोराबार में ये हाईवे पर लूट करते हैं, जिससे संबंध में खोराबार पेंट पर 2 मुकदमे पंजीकृत थे, जिसके संदर्भ में गैंगस्टर बनाया गया था। उस समय ये गैंगस्टर में लूट में जेल गए, लेकिन जब तक गैंगस्टर पर कायम हुआ तभी ये बाहर हो गए थे और तब से लगातार फरार चल रहे थे। आज इंस्पेक्टर खोराबार की टीम के द्वारा उनकी टीम के द्वारा सूचना मिली, जिसके संदर्भ में आज ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। क्योंकि ये गैंगस्टर के वांछित थे तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी इन पर पूर्व में घोषित किया जा चुका था। आज ये एक अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास, ये अभी तक 2 मुकदमे जिसमें गैंगस्टर बना था, तो गैंग चार्ट में 2 मुकदमे थे। ये हमारा जो हाईवे है इसी पे लूटपाट की घटनाएं कारित करते हैं। खुद स्वीकार रहे कि इनका एक दोस्त है, उसके साथ अक्सर ये जो लोग रोड पर निकलते हैं उनसे छिनती ऐसी घटनाएं करते थे। एक साथी लुटेरे हैं जो हाईवे की घटनाओं का अंजाम देते हैं। अब 2 अभियोग तो खोराबार में पंजीकृत हैं, बाकी पता करते हैं। तो फरारी के दौरान भी कोई घटना को अंजाम दिया अभी इस समय तो बीच में कोई घटना प्रकाश में नहीं आई। पुलिस लगातार इनके पीछे दबिश दे रही थी तो इधर उधर भाग रहे थे। आज सूचना जैसे मिली वैसे ही, लेकिन जिस जो इनकी गतिविधि थी वो निश्चित रूप से यही थी कि कहीं ना कहीं घटना दोबारा कारित कर। वैश्विक